इधर तो 1200 का छू लिया उसने अमीर बन। नीचे चलो खाओ खाओ। Hey guys, welcome back to my channel. This is me और पुछ की ट्रिंग रिंग। तो अभी हम लोग जाने वाले हैं बीरपारा शॉपिंग करने के लिए। पीछे देखो कौन बैठा है, अरे दिखाई दे रहे है क्या? और पीछे स्नेहा भी आ रही है, तो चले चलते हैं। अभी मैं साइकिल चला रही हूँ। दोस्तों अभी हम लोग गाड़ी का वेट कर रहे हैं, आ रही है इधर। ये लड़की अमीर बन गई आज तो, इतना सारा पैसा उठाया। तो चले गाने के गाड़ी पर चलते हैं हम लोग। गाइस हम लोग गाड़ी पर आ गए, अभी बैठी हूँ मैं गाड़ी पर। इधर है गोंगा, इधर मैं, इधर स्नेहा, थोड़ा दिखाओ गोरी गोरी लड़की। तो चले चलते है। क्या लोगे बोलो? लहंगा। तो दोस्तों अभी हम लोग दुकान पर आए हैं, ऊपर जा रहे हैं, देखते हैं कैसे कैसे है शादी। हम लोग उधर मार्केट की तरफ गए थे ना, उधर इतना बुलाते हैं शादी की दुकान पर, जो भैया लोग रहते हैं, कान भर करके चले गए हम लोग। तो मेरा तो दोस्तों दुकान पर आते ही शीशा मिला, तो देखो अपना थोबरा देखना। तो दोस्तों हम लोग दूसरे दुकान पर आ गए, उस दुकान पर कुछ पसंद नहीं आया था हम लोगों को, इस लड़की को पसंद नहीं आ रही है शायद भैया। तो दोस्तों देखो इस साड़ी की दुकान का नाम है मुस्कान। गोंगा वही बोल रही थी ना यहाँ से लेकर गया, तो एक्चुअली ना उसका भाभी इधर से साड़ी लेकर गया है, तो वही बोल रही थी वे इधर से लेकर गया। और मुझे फिर से शीशा दिखाई दे गई है, देखो मैं शीशा पे अपनी थोबरे देखना आ गई फिर से। तो उधर भैया साड़ी निकाल रही है, तो पहले ने गोंगा ने बोला था ये वाला पसंद आया है उसको, लेकिन ये वाला नहीं लिया उसने। मैंने बोला मत लो ऐसे कलर, दूसरी कलर देखो, मतलब दूसरी वाला साड़ी। उसके बाद मुझे ये लहंगा इतना मस्त लगा था ना, कोई तो खरीद के दे दो मेरे को ये लहंगा। गाइस गोंगा का साड़ी लेना हो गया, अभी उसको ब्लाउज लेना है। तो हम लोग किस स्टोर का कुछ आदमी कुछ बोला था स्टोर का ना, हम लोग भूल गए हैं, तो चले ढूंढते हैं, उसके बाद दिखाती हूँ आप लोगों को। तो दोस्तों हम लोगों ने ब्लाउज नहीं लिया, पहले हम लोग आगे जूता की दुकान के इधर, मतलब मार्केट में बीरपारा मार्केट के अंदर इतने सारे जूता की दुकान है ना, आप लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाएगी चारों ओर। इधर भी देखो तो जूते की दुकान, इधर भी देखो तो जूते की दुकान। तो गंगा ने हील ले लिया है। हम लोग आ गए उसके बाद लवली होटल पर, रेस्टोरेंट पर। रेस्टोरेंट पर खाने के लिए हम लोग ने ऑर्डर किया छोला भटूरा, तो मैं लेकर आती हूँ, बुला रही है लेने के लिए। तो इधर मैं लेकर आ गई हूँ देखो, और इतना बड़ा बड़ा मैं तो साइज देखकर मेरा हाँ हो गया था मुँह। गोंगा तो इधर खाना स्टार्ट कर दिया है, मैंने पूछ रही थी कैसा है, तो बोल रहे टेस्टी है टेस्टी है। तो इधर देखो स्नेहा भी लेकर आ रही है, तो चले खाते हैं हम लोग अभी। तो दोस्तों ये दो छोला भटूरा दिया हमको, हाँ दो पूरी और छोला भटूरे छोले की सब्जी, उसके बाद सलाद दिया था प्याज की, उसके बाद कुछ चटनी दिया था खट्टा खट्टा, पता नहीं क्या बोलते हैं ये। टोटली मतलब दो एक प्लेट में 70 रुपीज़ पर पड़ा है हम लोगों को। खाने में तो टेस्टी था, लेकिन सब्जी छोले का सब्जी इतना टेस्टी नहीं लगा मेरे को, लेकिन बाद में खाते खाते टेस्टी लग गया था। इधर मैं ठूस रही हूँ और साइड में एक दीदी खा रही थी डोसा, वो लोग सोच रहे थे शायद कैमरा ऑन करके क्यों खा रही है लड़की। तो मेरा खाते खाते एक जब मेरा पूरा खाना हो गया, तो याद आया कि मैंने तो थंबनेल के लिए पिक क्लिक ही नहीं किया। उसके बाद मैं इधर पिक क्लिक कर रही थी क्योंकि मैं भूल गई थी, क्योंकि थंबनेल पे बिल तो लगाना है ना। उसके बाद हम लोग आगे देखो गोंगा के लिए हील्स लेने के लिए बूट हील, वो तो बूट ढूंढ रही थी लेकिन उसको बूट नहीं मिला, तो मैंने ये वाला उसको पसंद आ गया। गोंगा देखो चलकर दिखा रही है हम लोगों को, तो मैं बोल रही थी कि जोर जोर से चलो, और देखो गोंगा की बॉयफ्रेंड उसकी शू निकाल के दे रही है, इतना प्यार। हाय हाय मेरे को भी कोई मिल जाए ऐसे हमारा बॉयफ्रेंड, जो मेरा जूता निकाल कर दे। देखो कितना सुंदर से निकाल के दे रही है, किसी का नजर ना लगे बिल्कुल भी नहीं। आप लोग नजर मत लगाना बिल्कुल भी, क्योंकि ये ना स्टोर का भैया है, आप लोग गलत मत सोचना कुछ भी। हम लोग घर जाने के लिए गाड़ी पर आ गए। गोंगा का सामान देखो एक बार आप लोग, इधर भी इधर भी, इधर तो 1200 का शू लिया उसने, अमीर बन गया है वो अमीर।
कुछ कहना चाहते हो? तो दोस्तों हम लोग ना इधर पहुँच कर देखते हैं रंगाली बजना के आसपास, इधर एक ट्रक ना मतलब रास्ते से नीचे गिर गया, ऊपर है ना रास्ता, तो उधर देखो साइड में पहाड़ भी दिखाई दे रही है। Hey guys, तो मैं घर आ चुकी हूँ और अभी मैं डिनर बनाने वाली हूँ। डिनर पे सब्जी आज है हमारा चिकन, तो फिलहाल मैं चिकन को बॉईल कर रही हूँ इधर, क्योंकि चिकन में ना बहुत गंदगी रह जाती है, मतलब अच्छे से धोने से भी नहीं निकलता है, वॉश करने से भी, तो बॉईल करने से सब कुछ निकल जाता है। तो चलिए मैं बनाते वक्त मिलती हूँ आप लोगों से। तो दोस्तों डायरेक्ट मैं अगले दिन वीडियो बना रही हूँ, कल रात को वीडियो नहीं बनाना हुआ, क्योंकि ना कल रात को मैं जब डिनर बना रही थी कारण चला गया, तो कारण नहीं है, तो इसमें वीडियो बनाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो मैं देखो अपनी क्यूट क्यूट पपीज को भी खाना दे रही हूँ, वो भी चिकन के साथ, क्योंकि मैंने कल रात को चिकन बनाया था ना, तो उन लोगों को दो तीन चिकन मैंने चावल के साथ मिक्स करके दे दिया, तो इधर खा रहे देखो तीन अभी तो फिलहाल। तो दोस्तों मैंने बोला था ना रोज नहीं दे पाया, तो क्या हुआ, मैं कोशिश करती हूँ कि एक दिन बाद बाद खाना दे दूँ, या रोज देने की भी कोशिश करती हूँ, लेकिन रोज नहीं हो पाता है। तो इधर हमारा ये हमारा जो चावल खाते हैं हम लोग वही है, आप लोगों को बता चुकी, जो हम खाते हैं वही खिलाती हूँ मैं उन लोगों को, दूसरे नहीं दे सकते। तो उधर देखो साइड में वो आ ही नहीं रहा था, तो पापा उनको लेकर उनको लेने के लिए गया था उधर, वो वाला तो डर के मारे आता ही नहीं है, तो चलिए उनको खाने देती हूँ। भैया का दोस्त लेकर चला गया था ये वाला मस्त चालाक है, ये काला वाला तुमको पसंद है ना बुनू डॉगी? तो दोस्तों आप लोग नाम सजेस्ट करो, किसका क्या नाम रख सकते हैं? भी आधा मोरक से शायद वो ना थोड़ा डरता है, देखो देखो ये वाला खाओ खाओ खाओ। देखो टोटल आठ थे और एक तो लेकर चला गया, अभी टोटल सात है इधर, तो कोई नाम सजेस्ट करो इनके लिए। तो दोस्तों अगर आप लोगों को आज का ये ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर आप लोग फेसबुक से देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर दीजिए। थैंक यू फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सी यू। और मुझे ढेर सारा कमेंट करके बताओ आप लोगों को किसी को ये पपी चाहिए, तो बेचूंगी नहीं ऐसे ही दे दूंगी आप लोग घर पर अगर पालना है आप लोगों को, तो ठीक है, टाटा बाय बाय, थैंक यू।